हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अन्नकूट की सब्जी बनाने की रेसिपी, जो गोवर्धन की पूजा करने के लिए भोग लगाने के काम आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके लिए इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर जितनी भी सब्जियाँ मुझे मार्केट में अवेलेबल हुई थी वो सभी डाल ली हैं। इसमें सभी सब्जियाँ और जितने भी फ्रूट्स होते हैं वो सब डाले जाते हैं। तो देखिए, मैंने इन्हें छोटा छोटा काट लिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें सभी सब्जियां हैं। हम इसमें लहसुन और प्याज यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये पूजा के लिए बनाई जाती है। यहाँ पर मैंने 3 बड़े टमाटर को बारीक काट लिया है, 2 चम्मच धनिया लिया है, धनिया पाउडर, 1 चम्मच खटाई ली है जिसे हम आमचूर पाउडर भी बोलते हैं, 2 चम्मच रेड चिली पाउडर लिया है, जीरा लिया है 1/2 चम्मच। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं कुछ, जिसमें मखाने, बादाम, काजू, पिस्ता ये सब डले हुए हैं जिन्हें मैंने बारीक काट लिया था। सॉल्ट लिया है 2.5 चम्मच, 2.5 स्पून। हल्दी पाउडर लिया है 1 चम्मच। गरम मसाला लिया है 1 चम्मच। तो चलिए सब्जी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक बड़ी कढ़ाई ली है जिसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल लिया है। ये मैंने सरसों का ऑयल डाला है इसमें। अब इसे पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑयल है वो पक चुका है। अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरे को लाइट ब्राउन होने तक भूनने देंगे। अब इसमें टमाटर डाल लेंगे और इसे एक बार चला देंगे। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें सभी सब्जियों को डाल लेंगे। अभी मैंने आधी सब्जियां डाली हैं। मैं मसाले डालने के बाद इसमें थोड़ी सी और डाल लूँ क्योंकि इसे मिक्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा सब्जी जब होती है। तो अभी मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच रेड चिली पाउडर डाला है। सॉल्ट डाल लेंगे। सॉल्ट अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालना है, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर लिया है वो भी डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। गरम मसाला डाल देंगे। आमचूर पाउडर डाल देंगे। अब डालने के बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जब हमारी सब्जी बीच बीच में सूख जाती है तो हम इसमें पानी डाल लेंगे। और बाकी की जो बची हुई सब्जियाँ थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली थी। तो आप देख सकते हैं हमारी जो सब्जी है वो पक चुकी हैं। ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही हैं। अब मैंने यहाँ पर एक रई ली है। अब मैं इसकी मदद से इसे दबा दूँगी सभी सब्जियों को अच्छे से। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से दबा रही हूँ। ताकि हमारी जो सभी सब्जियाँ वो अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स देखिए, हमारी जो अन्नकूट की सब्जी की रेसिपी है वो बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही हेल्दी होती है क्योंकि इसमें सभी सब्जियां डली होती हैं। आप इसे बनाकर ज़रूर देखें, ये सभी को बहुत पसंद आती है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।